आधुनिके आर्थिकयुगेऽस्मिन् अर्थशास्त्रसमन्वितस्य साम्प्रतिकस्यापि सकलसंस्कृतार्थस्य संयोगः नूनमेव विशिष्टं निभालनम् अपेक्षते। ईदृग्विशिष्टदृष्ट्या समन्वितेषु बुद्धिजीविषु रोट्स्, आइजनहोवर, यंग ग्लोबल लीडर इत्येवं विधैः अर्थक्षेत्रीयसम्मानादिभिः सत्कृतः राजते युवशक्तिप्रेरकः एकः विशिष्टः जनः। स च अर्थशास्त्रादिसिद्धान्तपरं किं वा समग्रमपि संस्कृतं प्रति यथा समयं यथा यथं श्रद्धावनतः सन् संस्कृतिवैभवं सञ्जीवयंश्च शोभते सञ्जीवसान्यालनामा प्रख्यातपुरुषः। वित्तमन्त्रालयीय मुख्यपरामर्शदस्य सुप्रथितलेखकस्य सञ्जीवसान्यालवर्यस्य वार्तावल्यां भूयो भूयः स्वागतम्। नमस्कार महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः वर्तते यत् तत्र भवदीय पुस्तकेषु भवद्व्याख्यानलेखादिषु च संस्कृतिमयम् ऐतिहासिकं संस्कृततत्त्वं बहुधा दृष्टिङ्गतं जायते। तत्र संस्कृतेन सह सम्बद्धता कीदृशी कियती च भवतः वर्तते इति प्रथमं तावत् ज्ञातुम् इहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न केवल संस्कृत, हमारी सभ्यता को समझने के लिए हमको मुंडा, तमिल, प्राकृत, पाली, इन सभी भाषाओं को समझने की ज़रूरत है। आधुनिकं बजट अर्थसंकल्पना पत्रम अथवा आयव्यय पत्रकम् तत्र आर्थिक सिद्धान्तैः प्राक्तनैः आर्थिक सिद्धान्तैः तत् कियत् प्रभावितम् आलोचयितुं शक्यते, कियत् प्रभावितं वर्तते वस्तुतः आयव्ययपत्रकम् अथवा बजट इति? ये जो प्राचीन सिद्धांत आप देख रहे हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनका आज भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इसमें जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जैसे एक भंवरा एक फूल से मधु निकालता है, उसी तरीके से हल्के भाव से हमको कर्ज निकालना चाहिए। हाँ, जैसे टैक्सेशन इस तरीके से किया जाए, टैक्स इस तरीके से निकाला जाए जिसके फूल में कोई बदलाव नहीं आता है, तो उसी तरीके से अर्थव्यवस्था से जैसे सरकार टैक्स निकालती है इस तरीके से निकाले जिसमें अर्थव्यवस्था में कोई उथल पुथल नहीं हो। यथा कृषि क्षेत्रे, उद्योगे, वाणिज्ये, रक्षातंत्रे वा किम विधा आर्थिक सिद्धांतः प्रयोक्तव्यः अधुना भी परिष्कृत सिद्धांतः? आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप लीजिए बैलगाड़ी को कैसे चलाएँ शहर के अंदर, वो कौन चला सकता है, वो किस उम्र से चला सकते हैं, ये सभी मतलब ट्रैफिक रूल्स जो हैं सभी लिखे गए हैं। तो ऐसे जैसे हम अभी हमारा है 18 साल के कम के कोई युवक गाड़ी नहीं चला पाता है, उसी तरह से इसमें भी लिखा गया है। द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स इति भवदीयं प्रथितं पुस्तकं वर्तते, परम् ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतं सप्तनदी सभ्यता समन्वितम् इति कियत् प्रथितं शक्यते वक्तुम्? अपि वा भवान् हड़प्पा सभ्यतां प्राकालिकीं मनुते अथवा सरस्वती सभ्यता? इतिहासकार जो कहते हैं कि सबसे प्रथम जो सभ्यता रही है वो हड़प्पा सभ्यता रही है। हाँ, और वो सिंधु नदी के तट पे उगी थी, लेकिन अब जो अवशेष जो मिल रहे हैं और सैटेलाइट फोटोग्राफी वगैरह से अभी जो हम लोगों को समझ में आ रही है कि असलियत में ये सभ्यता न केवल सिंधु नदी लेकिन सरस्वती नदी के किनारे भी थी, और इस सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने के बाद भी जो नाली रह गई है बाकी, मतलब ये जो हम अभी घग्गर कहते हैं, हाँ, उसके इर्द गिर्द अभी हजारों बस्तियों के अवशेष मिले हैं। कुछ शहर हैं जैसे राखीगढ़ी, बड़े शहर थे वो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से बड़ी ये शहर बड़ी है, आपको गाँव मिलेंगे, ऐसे बहुत हैं। तो फिर ये तो साफ हो गया है कि ये जो सभ्यता रही, ये सभ्यता सरस्वती और सिंधु दोनों नदियों के तटों पे उगी थी। और एक और चीज़ अभी एकदम जो एकदम नए से हम लोगों को मिल रही है, इससे ये भी साफ़ है कि ये सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, आप गंगा के तट में भी, वाराणसी, इलाहाबाद के उस क्षेत्र में, उत्तर भारत, हाँ उत्तर भारत में कहीं कहीं नए नए अवशेष मिल रहे हैं, उड़ीसा में भी नए मिले हैं। तो मतलब ये साफ हो गया है कि ये जो हमारी सभ्यता है न केवल प्राचीन है लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में ये पल रही थी, जब ये जलवायु के बदलाव में और ये सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने के कारण ये इस सभ्यता की पतन हुआ। लेकिन कुछ कुछ जगह ये बच के भी रहा, जैसे ये इलाहाबाद, वाराणसी जो क्षेत्र है वहाँ ये
कुछ लोग यहाँ आके बसे, लेकिन वहाँ ये कोई खाली जगह नहीं थी, वहाँ लोग थे, वहाँ शहर पहले से ही थे। तर्हि इतिहासे परिवर्तनम् आवश्यकम् इति भवत् अभिमतम्? हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम ये जो हम हमारे पास जो नई सच्चाइयाँ आई हैं, हमारे पास जो अभी जो नए तथ्य मिल रहे हैं, जो हमको अवशेष मिल रहे हैं, और जो जेनेटिक स्टडीज़ के आधार पे हम लोगों को जो जो समझ में आ रहा है, उसके आधार पे हमारे इतिहास इतिहास को हमको फिर से नए तरीके से लिखना ज़रूरी है। बृहत्तरम भारतम किमिदं कतिपय तथ्ययुतं संकल्पना समं तत्र वचनमात्रम् अथवा तथ्य वैविध्य संपुष्टं सर्वसम्मतं विचारमात्रम्? द ओसन ऑफ चर्न इत्येतादृश विशिष्ट पुस्तक प्रणेत्रीणां भवादृशां इतिहास मर्मविदां किमत्र अभिमतम्? ये ओशन ऑफ चर्न, वो भी मैंने समुद्र मंथन से इसका नाम लिया, तथैव समझ ही गए होंगे। जी जी, तो ये हिंद महासागर के इस पूरे क्षेत्र में इसका क्या इतिहास है, और इस इतिहास को हम लोग समुद्र की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? अगर हम तट की दृष्टि से देखें तो एक तरीके से दिखता है, और अगर हम समुद्र की दृष्टि से देखें एकदम ही अलग सा है। तो आप समुद्र के तट से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारी जो ये सभ्यता है ये बहुत दूर दूर से फैली हुई थी। आप जाइए कंबोडिया जाइए, वियतनाम, इंडोनेशिया, कहीं भी जाइए, और इधर ओमान इत्यादि जाएँ, सभी जगह हमारी भारतीय सभ्यता की जो प्रभाव रहा है वो आज तक है। मतलब आप सब दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है, वो कंबोडिया में है, अंकोर वाट। आप जाइए बाली में जाइए, वहाँ 90% लोग आज भी हिंदू हैं। तो ये इंडोनेशिया में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सभ्यता की जो जो का जो ये बहुत प्रभाव रहा है प्राचीन काल से, वो आज भी जीवित है। लेकिन फिर से मैं ये कहूँगा कि हम खुद इस सभ्यता को खुद मतलब एकदम सिमट के अपने भारत में ही रखे हैं, जबकि आज के भारत की जो ये जो हम जो नक्शा है और हमारी सभ्यता के का जो प्रभाव है उसमें बहुत फ़र्क है। और अगर हम भारत के इतिहास को और हमारी सभ्यता को समझने की कोशिश करें तो इस पूरे क्षेत्र को समझने की ज़रूरत है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रेषु एशिया त्र तो प्रायः मंदिराणां अथवा किमपि यत् निर्मितिः भवति, कापि निर्मितिः, तत्र संस्कृत सभ्यतायाः भारतीय सभ्यतायाः वा तत्र निदर्शनं भवति। परन्तु यथा भवता उक्तं ओमान इत्यत्रापि तत्र किं विधं तत्र प्रमाणम् उपलभ्यते? तो है, और ये प्रमाण आज के नहीं 6000 साल पुराने वाले भी हैं। जैसे आप देखिए ये हड़प्पा सभ्यता से वहाँ गुजरात से वहाँ जाते थे नाव से, और वहाँ वो लोग व्यापार करते थे। वहाँ जो पुराने जो अवशेष मिले हैं उस उनमें से 10% अवशेष भारतीय हैं, जो ये गुजरात से धोलावीरा के इर्द गिर्द, अभी जो हम लोग कच्छ के जो रण ऑफ कच्छ कहते हैं, वहाँ उस एरिया से वहाँ से आए हुए हैं। अर्थशास्त्रिणा भवता अर्थशब्दस्य बृहत्तर परिधिम् अनुसृत्य समर्थार्थाः विशदिताः, तदर्थम् अनुगृहीताः वयम्। धन्यवादाः। नमस्कार।